नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एग्जाम फीवर में। दोस्तों, मेरा अगला टॉपिक है जो शिक्षा मनोविज्ञान वाला टॉपिक है, प्रमुख शिक्षण विधियाँ। शिक्षा की जो विधियाँ होती हैं वह मुख्य कौन सी विधियाँ हैं, तो उसमें पहली विधि कौन सी है? आगमन विधि। ठीक है, इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोग का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय लिया जाता है। मतलब इस विधि में क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष अनुभवों यानी कि जो सामने के जो अनुभव हैं, मतलब खुद जो अनुभव फील किए हैं जो टीचर ने, वह उदाहरणों यानी कि जो एग्जाम्पल देके और तथा प्रयोग का अध्ययन कर, जो प्रयोग होते हैं उनका अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी चैप्टर या कोई भी विषय पढ़ाते हैं तो इसमें क्या है, खुद को जो अनुभव होता है और जो एग्जाम्पल्स हैं और जो प्रयोग हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनका अध्ययन करके इसके नियम निकाले जाते हैं। उस विधि को क्या कहते हैं, आगमन विधि। तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय लिया जाता है, यानी कि जो तथ्य जो आ जाते हैं, यानी कि साइंस, इसमें समझ लीजिए एक तरह से साइंस ही ऐसी एक चीज़ है, विज्ञान ऐसी चीज़ है जहाँ पर तथ्यों पर चलती है जो। ठीक है, जो वैज्ञानिक है वह तथ्यों के आधार पर ही किसी भी चीज़ का प्रतिपादन करते हैं, तो तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय लिया जाता है। प्रतिपादित अरस्तु, इसका प्रतिपादन किसने किया, अरस्तु ने किया। निगमन विधि, दूसरी विधि कौन सी है दोस्तों, निगमन विधि। छात्र स्वयं नियम नहीं बनाते हैं, उन्हें पहले बने नियमों या उदाहरण प्रयोगों और पूर्व अनुभवों से अवगत करा दिया जाता है। जैसा कि हम लोग किताबों में पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक तरह से निगमन विधि। इसमें क्या होता है, जो छात्र हैं वह खुद नियम नहीं बनाते हैं, उन्हें जो पहले से बने हुए नियम है ना उनके बारे में पढ़ाया जाता है, उदाहरण और प्रयोगों और पूर्व अनुभवों से अवगत करा दिया जाता है। कि जैसे कि आइंस्टाइन ने कोई खोज कैसे किया, ठीक है ना, एडिसन ने बल्ब का खोज कैसे किया, उसके लिए क्या फॉर्मूले बनाए, वह सब ऑलरेडी बना हुआ है, बस उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। कुछ प्रश्नों को हल कराकर दिखा दिया जाता है। अगर किसी भी मनुष्य ने, जैसे आर्यभट्ट ने या कोई बड़े गणितज्ञ ने कोई फॉर्मूला बताया है, तो उस फॉर्मूले को हल करके बता दिया है कि यह फॉर्मूला उस वैज्ञानिक ने या उस गणितज्ञ ने दिया है, तो इस विधि को कौन से बोलते हैं, निगमन विधि। इसका प्रतिपादन किसने किया था, इसका प्रतिपादन भी अरस्तु ने किया था। ठीक है, इन दोनों को जो डेफिनेशन है वह किसने दी है, अरस्तु ने, याद रखिए इसको। और भी विधियां हैं, उनके जनक देखिए। पहली विधि कौन सी थी, आगमन विधि, उसके जनक कौन थे, अरस्तु। निगमन विधि, इसके भी अरस्तु। प्रश्नोत्तर या सुकाती विधि, इसके थे सुकरात। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि होती है ना, जो टीचर से प्रश्न पूछना और उसके उत्तर मिलना, तो यह भी एक शिक्षण विधि है, इसे जल्दी याद हो जाता है बोलते हैं लोग, तो यह है सुकरात ने इसका प्रतिपादन किया था। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मीन्स कोई भी चीज़ के बारे में बताया, उसका प्रोजेक्ट बना के लाइए, तो बच्चा प्रोजेक्ट बनाएगा तो उसके बारे में बारीकी से हर चीज़ सीखेगा, इसे किल पैट्रिक ने बताया था इस विधि को। खेल, खेल खेल में सिखाना बताते हैं ना, उसे कॉल्डवेल कुक ने प्रतिपादन किया था। डाल्टन, इसे कोहेलियन पार्क हर्स्ट ने किया था। हर्बर्ट या हर्बर्ट ने किया था। किंडरगार्टन, जो केजी होता है, वो फ्रोबेल ने किया था। मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। ठीक है, और कौन सी विधि है, यूरिस्टिक, ये आर्मस्ट्रांग ने किया था। गैरी एडवर्ड ने किया था। बिनेट का डॉक्टर कॉल्टन वासवर ने किया था। वॉटिविया ये जॉन कैनेडी ने किया था। डेक्रॉली ये डेक्रॉली ने, ओविड, प्रोफेसर ओविड डेक्रॉली ने, और संवाद वाला किसने किया था, प्लेटो ने। संवाद मीन्स डिस्कशन करना। ठीक है, ये तो थी प्रमुख शिक्षण विधियाँ। अभी शिक्षा से संबंधित कुछ तथ्य देख लीजिए। शिक्षा शब्द उत्पत्ति, जो शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हो वह संस्कृत के शिक्ष धातु से मानी जाती है। ठीक है, संस्कृत में धातु होती है ना, उसमें शिक्ष धातु है, उससे मानी जाती है। इसका अर्थ है सीखना या ज्ञान, अंग्रेजी एजुकेशन। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं शिक्षा को, एजुकेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सीखना या ज्ञान देना। ठीक है, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, यह सब क्या, शिक्षा है। लैटिन शब्द एजुकेयर, अर्थ जिससे, इसका अर्थ क्या होता था, बढ़ना और प्रगति है, उससे लिया गया है यह। इसमें ए प्लस डूको से मिलाकर बना है, ए का अर्थ होता है अंदर से, डूको का अर्थ होता है अग्रसर। ठीक है, तो इस तरह से मिलकर बना है एजुकेशन, हिंदी में बोलते हैं सीखना या ज्ञान देना या ज्ञान लेना या सिखाना, यह सब होता है शिक्षा। इसका क्या है, इसके बारे में, शिक्षा बच्चे के अंदर छुपी शक्तियों को बाहर निकालना है। शिक्षा के द्वारा क्या होता है, किसी इंसान या किसी बच्चे के अंदर जो शक्तियाँ छुपी रहती हैं उनको
बाहर निकालना है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालकों की अंतः शक्तियों को बाहर लाती है। ठीक है, यह किसने बोला है? मनोवैज्ञानिक जो है फ्रोबेल ने बोला है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालकों की जो अंदर की जो शक्तियां हैं, अंतर्निहित हैं, जो दिखती नहीं है, उनको उभारना है, बाहर लाना है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सृजन ही शिक्षा है। अरस्तु ने क्या बोला है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सृजन ही शिक्षा है। ठीक है, और फिर टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बोला है? सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। समझ रहे हैं ना इसका मतलब? मनुष्य को शिक्षित क्यों किया जाता है? क्योंकि वह समाज में अच्छे से रहे, इंसान बन के रहे, और इंसान के बारे में सोचे, और उनकी भलाई के लिए हमेशा आगे काम करे। तो इसका मतलब क्या हुआ है? समाज से सामंजस्य बिठाए, तो उसके अंदर यह बुद्धि कौन डालता है? शिक्षा डालती है। तो सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, बोला है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, गांधी जी ने क्या बोला है? शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास है। ये बात भी सही है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा आती है जिससे मनुष्य के अंदर क्या है? मन, आत्मा और उसका चहुमुखी यानी कि सर्वांगीण विकास होता है। उसका बोल चाल, बातचीत, उसका सम्मान, लोगों का सम्मान करना, कैसे रहना लोगों के सामने, सब कुछ उस शिक्षा से ही उसके अंदर डेवलप होता है, गांधी जी के अनुसार हो गया। अभी स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला है? शिक्षा मनुष्य के अंदर निहित शक्तियों को प्रकट करती है। ठीक है, शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य के अंदर जो शक्तियां हैं वह प्रकट होती हैं, अदरवाइज वह अंदर ही छुपी रहेंगी। शिक्षा का स्वरूप क्या है? द्विध्रुवी और त्रिध्रुवी। तो द्विध्रुवी क्या होता है? शिक्षक और शिक्षार्थी। एडम्स महोदय रॉस ने बताया है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच होता है द्विध्रुवी शिक्षा होती है, और एक होती है त्रिध्रुवी, शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। क्या पाठ्यक्रम उसके हिसाब से होता है, यह जॉन डीवी ने बताया। ठीक है, अभी शिक्षा के प्रकार देखिए। शिक्षा के प्रकार, शिक्षा 3 प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या है? समय से होगी, अध्यापक होगा उसमें, विधि होगी, कोई एक पाठ्यक्रम यानी सिलेबस होगा, और पहले से फिक्स रहेगा किस घंटे में किस पीरियड में हमें क्या पढ़ाना है। ये क्या होती है? जो स्कूल की शिक्षा होती है उसे बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। ठीक है, औपचारिक शिक्षा कहाँ होती है? विद्यालयों में, स्कूल में। ठीक है दोस्तों, अगली क्या है? अनौपचारिक शिक्षा, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा, परिवार, समाज, रेडियो, पत्रिकाएं, इनसे मिलती है। यानी कि जब से बच्चा जन्म लेता है उसकी अनौपचारिक शिक्षा शुरू हो जाती है। क्या क्या सीखता है? परिवार से, समाज से, रेडियो में क्या क्या आ रहा, कोई नई न्यूज वह दिमाग में घुस जाती है, पत्रिकाएं आती हैं, पत्रिकाओं में कैसा दिया हुआ है, अच्छा दिया है, खराब दिया हुआ है, सब वही सीखता है, उसे बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा, जो शिक्षा स्कूल से नहीं ली है उसने। और अगली कौन सी है? गैर औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, दूर रहकर शिक्षा को प्राप्त करना, उन्नत संचार के माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, जैसे कि आजकल हम लोग यूट्यूब के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू, और दूर रह के जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग होती है, वह सभी किसमें? गैर औपचारिक शिक्षा में आती है। टीचर भी है इसमें लेकिन सामने नहीं है, तो दूरस्थ शिक्षा हो गई या डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, यह सब क्या है? गैर औपचारिक शिक्षा कही जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या था? शिक्षा के प्रकार, शिक्षा से संबंधित तत्व हो गए, और प्रमुख शिक्षण विधियाँ, कौन सी विधियों से शिक्षा दी जाती है, इनको किस किसने प्रतिपादित किया, यानी इसके जनक कौन कौन है। ठीक है दोस्तों, तो यह आप याद रखिए, इनको एक दो बार वीडियो को देखेंगे और इन्हें याद कर लीजिए सभी जो इसके जनक हैं, जिससे कि कोई भी एक क्वेश्चन फंस जाएगा अगर आपके लिए, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।